शानदार तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहा है और गांव-गांव में जल रहा है। अभी हमारा जो बूथ कैंपेन का काम चल रहा है, बूथ कमेटियां हमारी पूरी करीब करीब बन चुकी हैं, सेक्टर कमेटियां बन चुकी हैं। ये रमेश खेड़ा जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत शानदार और यहाँ के जाने पहचाने परिचित आदमी हैं। और इसका यहाँ पर जो तालमेल है, जो गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिनको सबको साथ लेके चलता है, ये इस मामले में आप किसी से पूछ सके। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, क्या लगता है आपकी बार किस तरह मतलब जो चुनाव है उसमें अगर कुर्सी जी को आप लेकर चल रहे हैं तो क्या लगता है? हमारे यहाँ क्या है, जो पहले काम करता है ना पार्टी में, टिकट उसको ही मिलता है कार्यकर्ता के हैसियत से। वर्तमान ये कार्यकर्ता है, साल भर से काम कर रहे हैं गांव-गांव ढाणी ढाणी, और हमने सब जी के संपर्क किया, सर्व जात में संपर्क किया, सभी से काम आपका चल। लेकिन बाग वासु कहे जहाँ में हर चीज को पेड़ होए और पेड़ उलूम है जहाँ में ज्यादा फल होगा, तो बहुजन समाज पार्टी ऐसी है, पिछले पीरियड में 26,644 हमने अपने विधायक जिताया। और कांग्रेस और बीजेपी आपकी बार आपके साथ चल रहे हैं, बसपा का ही कैंडिडेट जीतेगा और सबकी जमानत जब्त है, कांग्रेस का टिकट कोई लेने को तैयार है। लगता है कुर्सी जी आप कुर्सी जी को टिकट दिला के लेके आएंगे? पक्का भावी कैंडिडेट। अच्छा, भावी कैंडिडेट हैं और उनका ये भी कहना है कि कुर्सी जी को यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिलेगा। और पिछली बार हम जैसे, नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं जय कोहली के साथ। हम आपको बता दें सीकरी में पहुंचे और सीकरी के उस जगह में है जहां से टूर्नामेंट किया जा रहा है और लगातार जनता और मेवात के युवा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रोज यहाँ क्रिकेट खिलाया जाता है, क्रिकेट में हार जीत। आज हम हमारे साथ इस क्रिकेट के साथ साथ एक नया चेहरा हम आपको बताना चाहेंगे जो इस क्रिकेट से अलग है लेकिन यहाँ इस जमीन से जुड़े हुए हैं और लगभग 3 बार यहाँ से चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमाए लेकिन विफल रहे और अब की बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट के साथ साथ जनता से उम्मीद लगाते हैं कि अब की बार वो यहाँ से इस नगर विधानसभा के वो सीट पर काबिज कर पाएंगे क्योंकि ये तो जनता ही चाहेगी। लेकिन बात करते हैं कुर्सी जी से। कुर्सी अंडावाली जी हमारे साथ इस कड़ी में रहेंगे, आज वो टूर्नामेंट में आए तो यहाँ जो खिलाड़ी खेले, कौन सी टीम जीती और क्या पुरस्कार उनको दिया गया और क्या कहना चाहेंगे इस नगर विधानसभा की जनता के लिए? जी सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज आप यहाँ पहुँचे, यहाँ कौन सी टीम जीती और आपने सम्मान के लिए क्या क्या? आज यहाँ पर दोनों टीमें, एक जीती एक हारी, दोनों ही टीम हमारी है। एक छांगल की है, अपने यहाँ झंझार की है। अच्छा, और अभी तो खेल बहुत बाकी है, शायद अब इनको शायद कोई चांस नहीं मिलेगा ऐसा लग रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि भाई खिलाड़ियों को जिस दिन फाइनल मैच होगा उस दिन सब खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा, पूरी कमेटी का सम्मान किया जाएगा। और मैंने जो पहले जो बात कही मैं अपनी बात पे कायम रहूंगा, ये लोगों से संपर्क कर लें, ज्यादा से ज्यादा सहयोग इस कमेटी में जो देवे उसको मुख्य अतिथि बनाओ और कहीं जरूरत पड़े तो मैं आज से यहीं हूं नगर में, जब भी चाहें जब मुझे बुला लें। पर मैंने अभी भी ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस दिन इसका समापन हो ये मैसेज जाएगा झांतली में, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, जितने भी आसपास गाँव के लोग हों, यहाँ पर शानदार आयोजन होना चाहिए और साथ में दावत का इंजाम होना चाहिए, खाने का इंजाम बहुत शानदार होना चाहिए। कहाँ कहाँ की टीमें सर यहाँ आई हैं कमेटी से अगर आपने कुछ बात? नहीं, कमेटी ने बताया कि सारे राजस्थान की आई हैं, आउट ऑफ स्टेट की आई हैं, कमेटियाँ बहुत अच्छी आई हैं। पर कमेटी का सबसे ज्यादा शुक्रगुजार ये करना चाहूंगा, आज तक अभी तक कोई ऐसा नहीं कहा, किसी का फोन आया हो कि साहब हमारे संग कोई दुर्व्यवहार किया हो या हमारे साथ भेदभाव किया, जो ये कमेंट्री कर रहे हैं शोएब भाई और जो साथी कर रहे हैं जो यूपी से आए हैं, पर वो शानदार कमेंट्री कर रहे हैं। और आप अभी तक कोई यहाँ इस टूर्नामेंट का कोई ऐसा मैसेज नहीं गया, बल्कि देश में ऐसा मैसेज जा रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा हो। और इनकी खुदों की जो मेहनत है, जो यहाँ नीचे लगन मेहनत से जो कर रहे हैं, कमेटी वाकई में कमेटी की तारीफ काबिल है। सर, क्या इस तरह के कदम उठाने चाहिए या नहीं, क्योंकि वैसे तो मेवात में बहुत ज्यादा जरूरत है इनकी, और किस तरह और भी खेल में अगर इस तरह के कमेटी बनाकर, कमेटी ने जिस तरह क्रिकेट खिलाया है और भी खेलों में मतलब प्रतियोगिता की जाए तो कहीं ना कहीं आगे जा सकता है मेवात? नहीं, राजस्थान गवर्नमेंट जब करवा रही है तो उन्हीं की पहल में तो ये कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने पहले करवाया फिर दोबारा करवा रही है, ये इन्होंने सरकार से पहले शुरुआत करी, इनको मुबारकबाद, धन्यवाद। अच्छा, साथ ही हम जानना चाहेंगे सर नगर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? नगर की जनता से ये कहना चाहूंगा, आने वाले समय में आपके बीच में कोई भी साथी आए, हम तो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, छोटे से वर्कर हैं, पिछली बार हम चुनाव नहीं लड़ पड़े, दूसरा हमारा भाई जीता, और ये तय करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, अच्छा उम्मीदवार आए जो आपकी मदद कर सके, जो आपके बीच में रहे, आपको उसको चुनना है, जो आपको अच्छा न्याय दिला सके, अच्छा विकास करा सके, आपके बीच में रहे ऐसा आदमी आपको चुनना है। मेरी तो ये गुजारिश है, कोई ये मैं नहीं कह रहा कि मुझे ही वोट दो, आज वोट की बात तो है नहीं, पर जो भी आपके बीच में आए आप तय आपको करना है, अच्छा से अच्छा उम्मीदवार तय करो
और जो आपकी नगर की शान को बढ़ाए। पर एक बात जरूर कहूंगा, यहाँ के विधायक ये कहते हैं मैंने बहुत विकास किया है, वाकई में विकास किया है। अगर नगर को जिला बनाते हम तो उसको विकास मानते, अगर नगर को जिला नहीं बनाए तो कोई विकास नहीं। उसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट की बात है उसमें भी कहीं ना कहीं नगर विधानसभा तक काफी लंबी लाइन दिख रही है, तो उसमें अपने आपको कहाँ देखते हैं सर? देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, माननीय बहन जी के अभी जन्मदिन हुआ था वहां पर हम सब साथी लोग मिले गए थे, और भाई भी प्रयास कर रहे हैं, और लोकतंत्र टिकट मांगने का सबका हक है। जिस भाई को टिकट मिलेगा वो चुनाव लड़ेगा, अगर मुझे टिकट मिला तो मैं चुनाव लड़ूंगा, टिकट नहीं मिला तो पार्टी की मदद करूंगा। देखिए बहुत ही अच्छी बात कही, हमारे साथ नेताजी रहे जिनका नाम कुर्सी डंडे वाले के नाम से यहाँ फेमस है, कुर्सी जी थे, उन्होंने बताया अगर बहुजन समाज पार्टी ने हमको टिकट दिया तो हम चुनावी रण में रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने आज ये घोषणा की है। तो आप हमारे साथ बने रहे, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ, मैं आपका अपना जुगली डीटीवी न्यूज से, धन्यवाद।